हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल NGI। आज मैं आपको बताऊंगा बजाज कैसे बना बजाज पल्सर। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी इस वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने दोनों पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो जाके चैनल पर देखिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। राजीव बजाज को यह एहसास हो चुका था कि हीरो होंडा को हराने के चक्कर में वो खुद बजाज की पहचान खो बैठे हैं। के बाद राजीव बजाज ने अपने मन में यह संकल्प किया कि आज के बाद वो अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो नहीं करेंगे, वो अपना खुद का एक यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे। उसके बाद राजीव बजाज ने मार्केट को रूबरू कराया स्पोर्टी और एक्सपेंसिव बाइक से। इन बाइक्स के इंजन हीरो होंडा के बाइक्स के इंजन के मुकाबले काफ़ी पावरफुल थे। ये बाइक्स काफ़ी स्पोर्टी लुक्स देती थी। ये बाइक्स काफ़ी एक्सपेंसिव तो थी, पर इसी के साथ लोगों में क्रेज आया था स्पोर्टी और एक्सपेंसिव बाइक्स का। स्पोर्टी और एक्सपेंसिव बाइक्स के सेगमेंट में जिन बाइकों को सबसे पहले बजाज ने मार्केट में उतारने को सोचा, वो बाइक्स थी पल्सर 150 और पल्सर 100 CC। गौर करने वाली बात तो ये है कि उस समय राजीव बजाज के पास उन बाइकों को लॉन्च करते समय बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत मुश्किल आई। एक समय तो ऐसा भी आया कि उनके सीनियर्स ने उन्हें ये सलाह दी कि कुछ समय के लिए इनका लॉन्च रोक देना चाहिए। राजीव बजाज को अपनी इन बाइक्स पे 100% कॉन्फिडेंस था। उन्होंने अपने सीनियर से साफ साफ कह दिया कि मैं इनके लॉन्च में अपनी जी जान भी झोंक दूंगा, पर ये बाइक्स लॉन्च होके रहेगी। और ऐसा ही हुआ, ये बाइक्स लॉन्च भी हुई और सफल भी हुई। के बाद राजीव बजाज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो और ऐसी बाइकें लाते रहे, पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे फोकस से वो काम करते रहे। और ये राजीव बजाज और उनकी टीम की ही मेहनत होगी कि बजाज की सेल्स एक महीने में 30,000 के पार होने लगी। जी बजाज का पूरा फोकस अपनी बाइक्स की तरफ था। वो पूरी मेहनत और पूरी लगन से ये सोचने में लगे हुए थे कि वो क्या बेटर कर सकते हैं अपनी बाइक्स में, क्या बेहतर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अब वो बिल्कुल भी फोकस हीरो होंडा की तरफ नहीं रख रहे थे, उनका पूरा फोकस सिर्फ बजाज कंपनी के ऊपर था। ये राजीव बजाज और उनकी टीम की आग सी तपती मेहनत का ही नतीजा रहा होगा कि 2006 में आके बजाज और हीरो होंडा के बाइक के सेलिंग के बीच सिर्फ 32,000 का अंतर रह गया था। बहुत बड़ी उपलब्धि थी बजाज कंपनी के लिए और खासकर कि राजीव बजाज के लिए, क्योंकि राजीव बजाज ने अपनी दिन रात एक कर दिए थे यहाँ तक पहुँचने के लिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था 2007 के आखिर तक, पर कहते हैं ना, समय और मौसम कभी भी बदल सकता है। ऐसा ही हुआ, राजीव बजाज ने कुछ गलत फैसले लिए। उन्होंने फैसला लिया कि वो पल्सर वेरिएशन को छोड़ के एक नई बाइक बनाएंगे। उन्होंने अपनी ताकत पल्सर को और डेवलप करने की जगह एक नई बाइक बनाने का फैसला लिया। ये राजीव बजाज का सबसे गलत मूव साबित हुआ। बजाज के बाइकों की सेलिंग गिरती जा रही थी। जिस बजाज और हीरो होंडा के बाइक के सेल्स के बीच सिर्फ 32,000 का अंतर रह गया था, वो अंतर अब दुगना हो चुका था। बजाज फिर से एक बार मार्केट से साफ हो चुका था। बजाज की बादशाहत पाने की उम्मीद भी अब खत्म होती दिख रही थी। राजीव बजाज कैसे बजाज कंपनी को वापस टक्कर में लेके आए, ये हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। हमारे इस वीडियो के पार्ट 4 में बने रहें। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।